The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, we are talking about stress. It is very common in these days. COVID ka time chal raha hai. Aur COVID time mein स्ट्रेस इट सेल्फ इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. कई लोगों को लगता है कि वो स्ट्रेस्ड नहीं है, बट दे आर. हाउ टू नो दैट यू आर स्ट्रेस्ड, हाउ टू नो वॉट नीड्स टू बी डन एंड हाउ टू नो वेन टू गेट हेल्प इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. गुड स्ट्रेस इज समथिंग वेन आप एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो गुड स्ट्रेस है कि भाई हाँ गाड़ियाँ आ रही हैं. यू नीड टू बी स्ट्रेस्ड, यू नीड टू बी चैलेंज्ड और एल्स देर कैन बी एन एक्सीडेंट, राइट. एग्जाम है अगले दिन, यू नीड टू बी स्ट्रेस्ड सो दैट यू स्टडी, ना कि यार ये छोड़ना. यह ऐसे तो ऐसे आग बन करके गाड़ी तो वो थोड़ी आप करते होगे, वो ब्रेक मार लेगा, कौन स्ट्रेस ले. हम कहा ऐसे चल ऐसे आग बन करके आप रोड क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा. सो पॉइंट इज there are some types of stress, good stress and bad stress. So the bad stress ka matlab ye hai ki the kind of stress which can lead to problems. What kind of problems? Stress can lead to a lot of problems and bad stress can lead to serious problems like increased cortisol levels. Bad stress se aapka wazan badh jayega. कभी कभार भूख मर जाती है तो आप खाना छोड़ देते हो, तब वजन कम भी हो सकता है, राइट. गेटिंग माई पॉइंट? सो बैड स्ट्रेस, अगर आपको ये जानना है कि आप स्ट्रेस्ड हो कि नहीं, द बेस्ट ऑप्शन हियर इज आस्क योर फैमिली. जी हाँ, यू माइट नॉट परसीव द स्ट्रेस योर सेल्फ बट योर फैमिली विल डेफिनेटली टेल यू यू आर स्ट्रेस्ड. आप अभी रिलैक्स्ड नहीं लग रहे हो, आप चिंतित लग रहे हो, आप एंग्शियस लग रहे हो, आप हाइपर लग रहे हो, आप घबराए हुए हो, आप एक्साइटेड हो, आप स्ट्रेस्ड हो. जी, एंड थिंग्स शुड बी, स्ट्रेस इज गुड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. इवन इफ यू आर एक्साइटेड फॉर समथिंग 24/7 फॉर 1 week, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स. You cannot be excited continuously. You have to be relaxed. So if you are not able to relax, agar aap relax nahi kar pa rahe ho, you are stressed. And if you are stressed, you are increasing your cortisol levels. If you are increasing your cortisol levels, then you are increasing your chances of complications of any disease, of COVID, of heart problems, of any kind of flu, viral or any bacterial infection. डायबिटीज कंट्रोल में से उड़ जाएगी, जय माता दी हो जाएगी, एंड बीपी बढ़ सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इंसोम्निया इज द नंबर वन इंडिकेशन. नींद अच्छे से नहीं आ रही, गहरी नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है. सो देन यू थिंक यू आर स्ट्रेस्ड. देन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट समथिंग, अगर कुछ चीज़ हासिल नहीं हो रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, फंसा हुआ है, देन यू थिंक दैट यू माइट बी स्ट्रेस्ड. So these are the indications of stress. Once you know that you are stressed, now what needs to be done? See, the most important thing about stress is to understand that stress is just like bad smell in your house. If there is a bad smell, agar ghar mein gandi badbu aa rahi hai, to kya karo? Ye socho. घर में बदबू आ रही है, नंबर एक, बदबू कहाँ से आ रही है इसका कारण ढूंढोगे. भाई क्या है, चूहा मरा है, कचरा पड़ा है, कोई खाना पीना गिर गया, सड़ रहा है, बदबू कहाँ से आ रही है, पहला चीज. सो स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है लोकेट करने की कोशिश करें. अब ये भी हो सकता है बदबू ढूंढते समय आपको एक केले का छिलका मिले, एक सड़ा हुआ कुछ खाना मिले, एक भरा हुआ चूहा मिले, देर कैन बी मल्टीपल थिंग्स. सेम वे स्ट्रेस कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स. वन वुड बी द मोस्ट सीरियस,
एक सीरियस कारण होगा, एक दो चार छुटके पुटके सब में होते। सो व्हाट डज इट नीड? यू नीड क्लीनिंग ऑफ द हाउस, यू नीड क्लीनिंग ऑफ द हाउस। आप घर साफ करोगे, स्ट्रेस यानी बदबू आपकी चली जाएगी। बट दैट्स नॉट ऑल, दैट्स नॉट ऑल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपके घर में कचरा है और कोई गिरा रहा है या गंदी बदबू है और बाहर से आ रही है, तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कि ये हो क्यों रहा है, कचरा आ क्यों रहा है, गंदगी नीचे क्यों गिर रही है, चूहे आ कहाँ से रहे, मर कहाँ से रहे हैं। सो यू हैव टू स्टॉप दीज बैड थिंग्स टू एंटर योर हाउस। सेम इन स्ट्रेस, यू हैव टू स्टॉप नेगेटिव थिंग्स टू एंटर योर माइंड। दैट्स द प्राइमरी थिंग जो सबने करनी चाहिए। यू हैव टू स्टॉप नेगेटिव इनपुट्स। कोई बंदा गलत बोल रहा है, उसकी बात सुनो मत। न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो। सबसे बड़ा गलत नेगेटिव चीज़ न्यूज़ चैनल है। इफ समबडी इज़ गिविंग पॉजिटिव थॉट्स, वॉच देम। इफ समबडी इज़ गिविंग नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी लग रही है उसके बातों से, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो आपका घरवाला हो, चाहे वो आपका चाचा हो, कोई हो, नेगेटिव बात मत सुनो, गलत बात मत सुनो। गलत मतलब ये नहीं कि जो आपको पसंद नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस बात से मेरे दिमाग में एंड रिजल्ट, एंड क्या रिजल्ट आएगा। क्या वो नेगेटिव आएगा कि मैं ऑब्जेक्ट, या कि मैं डिप्रेस हो जाऊं, या मैं सैड हो जाऊं, या मैं उदास हो जाऊं, मैं चिंतित हो जाऊं, तो मत देखो। क्या वो अच्छा आएगा कि मैं काम करने लग जाऊं, मैं अपने काम में, कार्य में अपने प्रगति करूं, तो वो अच्छा स्ट्रेस है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अप टू यू। कोई इंसान के लिए वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा, कोई इंसान उसके लिए बेटरमेंट हो जाएगा। सो हर एक के लिए अलग अलग है। वन सिंगल टाइप ऑफ स्ट्रेस कैन बी स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस फॉर समवन एंड बैड स्ट्रेस फॉर समबडी एल्स। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज व्हाट फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेगेटिव इनपुट्स को बंद करना है। न्यूज़ चैनल, टीवी, मैगजीन, अखबार, लोगों की बातें, पड़ोसी की बातें, चाची की बातें, ताई की बातें, फलाना ढमकाना, हटाओ उसको। यू वंस यू स्टॉप दीज थिंग टू एंटर योर हाउस, योर माइंड, तब आपका घर साफ रहेगा, तो बदबू नहीं आएगी, तो स्ट्रेस नहीं होगा, राइट? एंड द बेसिक नीड्स टू बी क्लियर। बेसिक इज यू हैव टू ट्राई एंड स्लीप 7 to 9 hours, यू हैव टू ड्रिंक 3 to 4 liters ऑफ वाटर, यू हैव टू डू योगा। 20 मिनट का योगा आपको करना है, 20 मिनट की एक्सरसाइज आपको करना है, 10 से 15-20 मिनट की स्ट्रेचिंग आपको करना है, ये सब, ठीक है? एंड यू हैव टू फॉलो गुड हाइजीन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सेल्फ एस्टीम। उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, उससे आप अपना स्ट्रेस भी मैनेज कर पाओगे, अपने घर पे लोगों को भी मैनेज कर पाओगे, और बीमारियां भी आपको कम होंगी। सो एक बैड स्ट्रेस के लिए मेडिसिन भी आती है, हेल्प भी है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ खुद के लेवल पे नहीं हैंडल कर पा रहे, देन वी कैन गिव मैनी काइंड ऑफ मेडिसिन, चाहे वो नींद की दवा हो, दिमाग शांत करने की दवा हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्लीप, यू आर नेवर गेट आउट ऑफ स्ट्रेस। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली 6 से 9 घंटे, मिनिमम 6-7 इज द बेस्ट, 7 to 9, तो 7 से 9 के बीच में इज द बेस्ट। मिनिमम 6 भी नहीं सो रहे हो, 5 सो रहे हो, 4 सो रहे हो, यू आर नेवर गोइंग टू गेट आउट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। सो यू नीड रेस्ट, योर बॉडी, योर माइंड नीड्स रेस्ट। उसके लिए चाहे आप ओवर द काउंटर वाली मेलाटोनिन ले लो, 3, 6, 9 मिलीग्राम, कोई बात नहीं, चाहे 10 ले लो अपने डॉक्टर से बात करके, या आप दूसरी साइकोलॉजिकल मेडिसिन आपकी साइकाइट्रिस्ट यूज कर सकते हैं, बट यू नीड रेस्ट, यू नीड अ लीव, यू नीड अ छुट्टी। घर में बैठो, सो लो। सम पीपल आर वेरी स्ट्रेस्ड बाय 24 आवर वर्क, यहाँ भी काम, वहाँ भी काम, इंक्लूडिंग मी। छोड़ो सब एक दिन के लिए और सो जाओ। सो डू दैट। स्ट्रेस इज बैड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो डू थिंग्स विच यू कैन डू टू अवॉइड स्ट्रेस। अगर बहुत दिमाग में चीज़ें चल रही है, तो किताब में लिखो, प्लेस इट असाइड, मेक अ बुक, मेक अ डायरी, किताब में लिखो और बाकी सारे स्टेप्स करो,
so that you sleep proper, you feel proper, you get better. That's all. इतना करोगे तो 99% लोगों का स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, चाहे किसी लेवल का. 1% लोगों को फिर भी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. डोंट बी हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर. ऑल राइट, दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू आस्क.